पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो देखो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे जो आपके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इसकी जो क्लास है, इससे पहले क्लास हुई जिसमें मैंने आपको कुछ पारिस्थितिकी और इन सब के विषय में पढ़ाए। आज हम आपको खाद्य स्तर के विषय में पढ़ाएंगे और भी जो भी, देखो ये एक तरीके से पूरी बुक से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट का निचोड़ है जो नोट्स हम आपको ये दिखा रहे हैं, है ना। इसको हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप पे अवेलेबल करा देंगे, लेकिन तब करवाएंगे जब ये हम आपको पूरा यूट्यूब पे पढ़ा देंगे, क्योंकि ये सारा कंटेंट एक ही पीडीएफ में है ना। तो देखो खाद्य स्तर की यदि बात की जाए तो ये किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्तर होता है। खाद्य स्तर का प्रारंभ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है, जो आगे अन्य स्तरों तक ऊर्जा का प्रवाह करता है। देखो ये होता है आपका स्तर, कैसे क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले ये हो, देखो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, सूर्य दिख रहा है। सूर्य क्या एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हुआ, जो आपके स्वपोषित यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना पोषण स्वयं करते हैं, पौधे को किसने खाया, बकरी ने खाया, यानी बकरी क्या है शाकाहारी, ठीक है। बकरी को किसने खाया, शेर ने खाया, शेर क्या है मांसाहारी। उसके बाद में फिर देखो उसको किसने खाया, तो सर्वाहारी ने खाया। अब देखो ज़रा बात क्या होती है कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम पोषक स्तर क्या होता है, तो प्रथम पोषक स्तर पहली बात तो पौधे होते हैं आपके। पूछा जाए प्राथमिक उपभोक्ता स्तर क्या है, या आपसे पूछा जाए द्वितीय पोषक स्तर, समझो अगर उपभोक्ता के सापेक्ष पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता स्तर क्या है, और चार ऑप्शन होंगे, तो आप बताओगे शाकाहारी होते हैं, या जैसे आपका एग्जांपल में याद रखो बकरी होता है, या आपसे पूछ लिया जाए द्वितीय पोषक स्तर में क्या होगा, क्योंकि प्रथम पोषक में तो पौधे आ जाएंगे, तो द्वितीय पोषक में क्या आएगा, शाकाहारी आएगा। अच्छा मैम उपभोक्ता का मतलब, हमने कहा देखो पौधों ने तो किसी का उपभोग किया नहीं, उपभोग किसने किया, तो उपभोग बकरी ने पौधे का किया, मतलब बकरी ने पौधे को खाया, पौधे ने तो किसी को नहीं खाया, इसलिए उपभोक्ता यानी जो यूज़र की यदि बात की जाएगी तो बकरी क्या है प्राथमिक उपभोक्ता है, और पोषक स्तर की में यदि बात की जाएगी तो द्वितीय पोषक स्तर की है। उसके बाद में तृतीय पोषक स्तर के अंतर्गत आपके मांसाहारी आ जाएंगे, और ये आपके द्वितीय उपभोक्ता स्तर के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद में जो शेर आदि को ये मांसाहारी के ऊपर जो सर्वाहारी यानी जो सब खाते हैं, तो वो आपके चतुर्थ पोषक स्तर के अंतर्गत आ जाएंगे और तृतीय उपभोक्ता कहलाएंगे, ठीक। अब देखो जरा मिट्टी क्या एक तरीके का वियोजक का कार्य करती है, प्रत्येक आहार स्थानांतरण में ऊर्जा का लगभग 80-90% क्षयित होती है। उसके अंदर तालाब में भोजन की श्रृंखला क्या होती है, देखो पादप प्लवक, फिर प्राणी प्लवक, फिर कीटाणु के लार्वा, फिर छोटी मछलियाँ, है ना। मतलब जो कीटाणुओं के लार्वा होते हैं इनको कौन खा जाता है, छोटी मछलियाँ, छोटी मछलियों को कौन खा जाता है, तो बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं। एक तरफ उत्पादक लिखा है, ऊपर देख पा रहे हैं उपभोक्ता लिखा है, तो जो उत्पादक होते हैं जड़े जैसे पानी के भीतर कीचड़ में, ये क्या है आपके उत्पादक, उपभोक्ता के अंतर्गत आपका पौधे जो पौधों पर निर्भर होते हैं वो आ जाते हैं। देखो इसके अंतर्गत आपकी दो चीज़ें आती हैं उत्पादक के अंतर्गत, एक तो आता है आपके मैक्रोफाइट जैसे आपका टाइफा रेकोरस हो गया, एक होता है फाइटोप्लांटेशन जिसके अंतर्गत आपके सारे ये शैवाल, जीवाणु, वॉलवॉक्स, है ना, और उसके अंदर डाइटम आ जाते हैं। प्राणी प्लवक कैफेकार्ड व डाइनो प्लैगलेट आ जाता है। उसके बाद में तरणक स्वतंत्र होते हैं जैसे आपका मछली हो गया। नित्तल जीव जात में आपका मॉलिक्यूल्स एनालिडीज आ जाते हैं। अब जरा खाद्य श्रृंखला की बात करो, फूड चेन की बात करो, तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का मुख्य आधार क्या होता है, खाद्य स्तर ही होता है। इसीलिए आपको हमने सबसे पहले क्या समझाया था, अभी ऊपर खाद्य स्तर समझाया। खाद्य श्रृंखला की यदि बात की जाए तो एक होती है आपकी चारण खाद्य श्रृंखला, एक होती है आपकी आपरद खाद्य श्रृंखला जिसे आप मृत्युपजीवी कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे जो चारण खाद्य श्रृंखला की, इसमें क्या होता है, घास को किसने खाया, कीड़े ने, कीड़े को किसने खाया, मेंढक ने, मेंढक को किसने खाया, सर्प ने, सर्प को किसने खाया, मोर ने, मोर को किसने खाया, लोमड़ी ने, लोमड़ी को किसने खाया, शेर ने। तो 10% ऊर्जा का नियम यानी लिंडन मैन के अनुसार क्या है कि भाई घास को कीड़े ने खाया, कीड़े को मेंढक ने खाया, मेंढक को सांप ने खाया, सांप ने मोर को खाया। कोई खाद्य श्रृंखला अधिकतम 5 स्तर तक हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में आपरत खाद्य श्रृंखला की बात की जाए तो मृत जीवी, सूक्ष्म कीटाणु वियोजक, उसके बाद मृत जीवी मृतोपजीवी का भक्षण करने वाला कहलाता है। उसके बाद में देखो जरा पारिस्थितिकी का जो पिरामिड होता है वो कौन कौन से होते हैं, तो पारिस्थितिकी पिरामिड के अंतर्गत आपको 3 मिलेंगे। पहला मिलेगा संख्या का पिरामिड, दूसरा मिलेगा व्यवहार का पिरामिड, तीसरा मिलेगा ऊर्जा का पिरामिड। यदि हम संख्या के पिरामिड की बात करें तो उसको सीधा उल्टे को परजीवी के तरीके से भी पढ़ सकते हैं आप। तो सबसे पहले क्या था,
घास, घास को किसने खाया, कीड़े ने, कीड़े को किसने खाया, मेंढक ने। सबसे टॉप पे क्या है, मेंढक। अगर इसको उल्टा कर दोगे तो जैसे आपका सर्प, चिड़िया, ये आपका क्या है, अपवाद के अंतर्गत आ जाएगा, बाकी जीवाणु और ग्राही आ जाएगा। सेम चीज़ आपको जवा का पिरामिड देखना है तो मेंढक, कीड़ा, घास आ जाएगा, और यहाँ पर बड़ी मछली और छोटी मछली का एग्जाम्पल आ जाएगा उल्टे में, ठीक है। इसी तरीके से मेंढक, कीड़ा, घास, इसमें भी इसके कारण ऊर्जा के रूप जाने पर उसका ह्याश हो जाता है, ऊर्जा के ऊपर जाने पर, ठीक है। उसके बाद देखो पारिस्थितिकी पिरामिड जो है वो खाद्य स्तर को एक मॉडल के द्वारा समझने की कोशिश है। किसी भी पिरामिड के कुल 4 या 5 स्तर होते हैं, कितने होते हैं, 4 या 5 स्तर होते हैं। तालाब में जयवार पिरामिड सदैव उल्टा बनता है देखने में। अभी आपको हमने दिखाया ना, तालाब में जो पिरामिड बनता है वो हमेशा क्या बनता है, उल्टा बनता है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं। भाई पिरामिड तो ऐसे ही होता है, लेकिन तालाब में जो पिरामिड है वो देखो उल्टा बना हुआ है। क्यों? क्योंकि बड़ी मछली को छोटी मछली ने, जो आपकी छोटी मछली थी, इनको किसने खा लिया था, बड़ी मछलियों ने खा लिया था। अब इकोटोन व कागार प्रभाव क्या है मैम, तो समझिए बात को। दो भिन्न जीवों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। किसी तनाव क्षेत्र की अनोखी विशेषता जैसे पशुओं की जनसंख्या, पौधों की किस्में आदि कागार। अब देखो इकोटोन क्या, कागार प्रभाव कही जाती है ना, इकोटोन क्या, इकोटोन व कागार प्रभाव की अगर बात की जाए तो देखो वन व घास के मैदान के मध्य, जैसे आप उल्लू, सॉफ्ट बॉटम व हार्ड बॉटम के मध्य, उसके बाद में ज्वार नदमुख, उसके बाद में आर्द्र भूमि। तो जीव उत्पत्ति क्रम की बात की जाए तो मछली, एम्फीबिया, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी, 5 भाग हो गए आपके। फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल के अंतर्गत, और बर्ड्स और मैमेलिया। सह योजिता की बात की जाए तो आपका लता आदि अधिपादप हो गए, अरिजंतु हो गए। सहजीविता की यदि बात की जाए तो लाइकेन है, माइकोराइजा है आपका, पशुरति व जंतु प्रकीर्णन है। पर जीविता में आपका जोक आ जाएगा। पर भक्षण में आपका कीट भक्षी पौधे जो नाइट्रोजन की कमी के कारण आ जाएंगे। समुद्री वातावरण के मुख्य उत्पादक आपके क्या है, पाद प्लवक, और पारिस्थितिकी चक्र में तत्वों का चक्र जैव मूर्छायन के चक्र के अंतर्गत आता है। अब देखो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एक्चुअल पूरी बुक है, पर्यावरण। तो जीवों को चारों ओर से घेरने वाला या उनको प्रभावित करने वाला, उनको इफेक्ट पहुंचाने वाले, यानी प्रभावित करने वाला जैविक या अजैविक कारण पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण का जो आपका वो है वो क्या कहलाएगा, परिधन आवरण। क्या कहलाएगा, परिधन आवरण। मतलब आपसे पूछा जा सकता है ना कि पर्यावरण किन किन शब्दों से मिल करके बना है, तो परिधन आवरण से मिल करके बना है। आवरण का मतलब क्या होता है, चारों ओर। तो यह क्या, एक गतिशील नियम होता है। पर्यावरण में आपका क्या क्या आ जाता है, समझो बात को। देखो बेटा पर्यावरण के अंतर्गत आपका स्थल मंडल आता है, वायुमंडल आता है, जल मंडल आता है, और जीव मंडल आता है। अब जो वायुमंडल है इसके 2 भाग हो गए आपके, एक तो हो गया क्षोभ मंडल, एक हो गया संताप मंडल। जीव मंडल के आपके 2 भाग हो गए, एक हो गया जंतु, एक हो गया पौधे। उसके बाद में स्थल मंडल के आपके 3 भाग हो गए, एक हो गया पर्वत, एक हो गया मरुस्थल, और एक हो गया मैदान। जल मंडल के आपके हिमनद, झील, नदी, सागर, सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इस वाले पेज को हम थोड़ा सा जूम कर रहे हैं, आप लोग तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लो जब तक आपके पास पीडीएफ नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा एक बार। पर्यावरण के कितना सिंपल से समझाया गया, देखो पर्यावरण के अंतर्गत आपका वायुमंडल आया, जीव मंडल आया, स्थल मंडल आया, जैव मंडल आया। जैव मंडल के बारे में हम लोग जंतु और पौधों की स्टडी करते हैं। जल मंडल के उसमें आकर जाएंगे तो हिमनद, झील, नदी, सागर, इनकी स्टडी करते हैं। स्थल मंडल में हम लोग पर्वत, मरुस्थल, मैदान की स्टडी करते हैं, और वायुमंडल के अंतर्गत हम लोग क्षोभ मंडल और संताप मंडल की स्टडी करते हैं। पर्यावरण के संघटक की बात की जाए यदि तो एक होते हैं आपके जैविक संघटक, एक होते हैं अजैविक संघटक, एक होते हैं आपके ऊर्जा। जैविक संघटक में सूक्ष्मजीवी पादप जैसे मनुष्य, जंतु आ गए, और उसके बाद में अजैविक में आपका जल, थल, वायु और खनिज, ये आपके अजैविक कारक हो जाएंगे, संघटक हो जाएंगे। ऊर्जा में आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा और भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा। देखो जैविक में आपके जैसे सूक्ष्म जीव एक आ जाएंगे, पादप दूसरे, तीसरे आपके मनुष्य, चौथे आपके क्या, जंतु, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अजैविक में आपका एक जल आ जाएगा, दूसरा थल आ जाएगा, तीसरा वायु आ जाएगा, चौथा खनिज आ जाएगा। ऊर्जा में पहला आपका सौर ऊर्जा आ जाएगा, दूसरे में आपका भूतापीय ऊर्जा वगैरह आ जाएगा। वायुमंडल की यदि बात, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये नोट्स आपके, बहुत मुश्किलों से बनाए हैं मैंने। वायुमंडल की यदि मैं बात करूँ, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवा दूँगी, वैसे तो ये पेड में बनवा रही थी मैं, खैर कोई बात नहीं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में भी प्रोवाइड कर देंगे ये, ठीक है।
वायुमंडल की यदि बात की जाए तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस आपकी कौन सी होती है, तो नाइट्रोजन होती है। कितनी होती है? 78.08%। वायुमंडल की गैसों का जो क्रम है तो वो सबसे ज़्यादा की नाइट्रोजन होती है, जो आपके 78.08%। उसके बाद में आपकी ऑक्सीजन होती है 20.95%। आर्गन जो है वो आपकी 0.93% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है यानी CO2 जो है वो 0.038% होती है। नियॉन जो है वो आपकी 0.0018% होती है। हीलियम की यदि मैं बात करूँ तो 0.0005% होती है आपकी। ठीक है, सब आपको याद रखना है। अभी नहीं समझ में आ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमने आपको बताया था ना, देखो जैसे हमने आपको क्या समझाया था आपसे कि ये जैसे है आपकी क्या पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर ये सब क्या है आपका क्षोभ मंडल, उसके ऊपर आपका क्या पाया जाएगा, देखो क्षोभ मंडल, उसके ऊपर यहाँ पे क्या पाया जाएगा समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल। ये ऊंचाई के आधार पर है आपका। कैसे? तो सबसे पहले ये आपकी पृथ्वी हो गई है, ठीक। तो 8 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल, 30 किलोमीटर पे आपकी ओजोन परत है, उसके ऊपर 20 किलोमीटर बढ़ जाओ यानी पूरा 50 किलोमीटर ऊपर बढ़ जाओगे तो समताप मंडल। मध्य मंडल आपका 80 किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर तक आयन मंडल, और उसके बाद का बहिर्मंडल आता है। कितने सिंपल से समझा दिया। वायुमंडल में रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है। आपसे पूछा जाए वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती, तो रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है। जैव विविधता की यदि बात करूं, बायोडाइवर्सिटी की यदि मैं बात करूं, तो देखो किसी भी स्थान पर पाए जाने वाला जीव वहाँ के पर्यावरण व पारिस्थितिकी तंत्र में आपसी सामंजस्य बनाकर रहते हैं, जिसमें जैव विविधता कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता आपकी विषुवत रेखा के पास 7% उष्णकटिबंधीय वनों में एडमिक प्रजातियां विशेष जीव के आधार पर भारत का विश्व में 11वां स्थान। जैव विविधता अधिनियम आपका 2002 में, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण आपका 2003 जनने। जैव विविधता की यदि बात की जाए तो आपके होते एक जीव स्तर पर जिन्हें आप जीवनीय कहते हो, एक होते आपके पारिस्थितिकी स्तर पर जिन्हें आप प्रजातीय कहते हो। देखो उसके बाद में आता है आपका पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी आपका जो महाद्वीप स्तर पर होते हैं। जीवों के संरक्षण की यदि बात की जाए तो एक होते हैं आपके स्वस्थाने, एक होते हैं आपके परस्थाने। स्वस्थाने का मतलब होता है जीवों को अपने ही आवास पर सुरक्षित रखना, जैसे आपका राष्ट्रीय उद्यान हो गया, अभयारण्य हो गए, जैव विविधता हो गई, क्षेत्र जंगल हो गए। परस्थाने का मतलब क्या होता है कि कृत्रिम तरीके से बचाने की कोशिश की जाती है, वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, नर्सरी, हर्बेरियम, बीज बैंक, अंडे बैंक, टिम्बू कल्चर, क्लोनिंग, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा। दिसंबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया था। तो पूछा जा सकता है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है। किसने घोषित कब हुआ था, तो दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में ये घोषित हुआ था कि 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी मनाया जाएगा। ठीक है, जैव विविधता का मापन की यदि बात की जाए तो एक होता है आपका अल्फा जैव विविधता क्षेत्र, एक होता है बीटा जैव विविधता क्षेत्र, एक होता है आपका गामा जैव विविधता क्षेत्र। अल्फा जैव विविधता क्षेत्र की यदि बात की जाए तो जीवों की संख्या का मापन जैसे आवास से कारकों या स्रोतों के आधार पर होने वाला परिवर्तन जैसे आपका आवास परिवर्तन। गामा जैव क्षेत्र विविधता के क्षेत्र में जीवों का एक भौगोलिक क्षेत्र से एक दूसरे में गमन, प्रादेशिक के रूप में देखा जा सकता है। जैव विविधता के हास के कारण आपका मानव जनित और प्रकृति जनित क्या क्या चीजें आएंगी, तो सबसे पहले आर्थिक दोहन, शिकारी व तस्करी, आवासीय विकास, तटीय क्षेत्र का विकास, ये आपका मानव जनित है। जो जैव विविधता खत्म हो रही है उसमें जो मनुष्य की वजह से हो रहा है, ह्यूमन बींग उसमें क्या लॉस कर रहा है, तो उसमें आपका आर्थिक दोहन, शिकार तस्करी करता है, आवासीय विकास करता है और तटीय क्षेत्र का विकास करता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मानव जनित जैव विविधता के ह्रास के कारण है, यानी जैव विविधता में नाश हो रहा है, खत्म हो रही है चीज़ें, वो किसके कारण है, मानव जाति में इन इन कारणों की वजह से। प्राकृतिक कारणों की बात की जाए तो प्राकृतिक कैसे जैव विविधता को ह्रास पहुंचाती है, भूकंप के माध्यम से, हिमस्खलन के माध्यम से, बाढ़ के माध्यम से, जलवायु परिवर्तन के माध्यम से। ये कुछ आपके प्रमुख जैव विविधता, उनके जो सम्मेलन लिखे इनको भी याद कर लीजिएगा। पृथ्वी सम्मेलन आपका 1992 में हुआ था, बहमास सम्मेलन आपका 1994 में हुआ था, उसके बाद में कार्टा जोना प्रोटोकॉल आपका 1999 में आया है, नागोया प्रोटोकॉल आईची लक्ष्य आपका 2010 में प्राप्त किया गया है, हैदराबाद जैव विविधता सम्मेलन आपका 2012 में
अब देखो जरा वन्य जीव संरक्षण की बात अगर हम करें तो एक होता है आपका राष्ट्रीय पार्क जो मानवीय गतिविधियों से मुक्त होता है, एक होता है आपका वन्य जीव अभयारण्य जो सीमित मानवीय गतिविधियों से युक्त होता है, उसके बाद में जैव मंडल आगार की यदि बात की जाए तो सरकारी नियंत्रण परंतु बाह्य क्षेत्र में निजी कार्य संभव। देखो ये होता है आपका क्रोड, ये कहलाता है आपका बफर क्षेत्र, ये कहलाता है आपका संक्रमणीय क्षेत्र। ये प्रशासन के साथ मानवीय गतिविधि होती है, ये सीमित मानवीय गतिविधि करने के लिए होता है जो आपका बफर क्षेत्र होता है। क्रोड में मानवीय हस्तक्षेप नहीं होती है, ठीक याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की यदि बात की जाए, देखो नीलगिरी जो है वो आपका तमिलनाडु केरल व कर्नाटका 1986 ये नाम है आपके, ये राज्य हैं, ये आपके वर्ष हैं, इसमें क्या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये आपके। उसमें देखो नोकरे का आपका मेघालय में 1988 में, नंदा देवी आपका उत्तराखंड में 1988 में, ग्रेट निकोबार आपका अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 1889 में, मन्नार की खाड़ी आपकी तमिलनाडु तटीय क्षेत्र में 1989, उसके बाद सुंदरबन आपका 25 पश्चिम बंगाल में है 1989, उसके बाद में आपका मानस जो है वो असम में है 1989, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है 1994, उसके बाद में डिब्रू चकोवा आपका असम में है 1977 में सम्मेलन हुआ, दिहांग दिवांग की यदि बात की तो अरुणाचल प्रदेश, पंचमणि मध्य प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम में, अगस्त मलाई आपको अन्ना मलाई कभी कभी सुना होगा, केरल तमिलनाडु 2001, अचना कमार आपका छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश 2005 कक्ष में, आपका गुजरात में है कक्ष करण आपने देखा होगा 2008 में, शीत रेगिस्तान कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश और शेष जन पढ़ाई आप पहाड़ी आपकी आंध्र प्रदेश और पन्ना आपका मध्य प्रदेश। विश्व धरोहर अधिसमय में शामिल भारत के जैव विविधता संबंधी स्थल जो है वो आपका जैसे पूछा जाता है बहुत बार पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कहाँ है आपका बेटा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। किस लिए फेमस है, तो एक सिंह वाले गैंडे के लिए फेमस है याद रखिएगा। उसके अंदर मानस वन्य जीव अभयारण्य आपका कहाँ है, तो असम में। सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, नंदा देवी, उसके बाद में आपका केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका राजस्थान में, पश्चिमी घाट आपका सह्याद्री पर्वत में, उसके बाद में ग्रेट हिमालयन पार्क आपका हिमाचल प्रदेश में, नीलगिरी, नोकरेक, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अगस्त लंबाई, कंचन कुमार, अमरकंटक, कंचनजंगा आदि BSR यूनेस्को के MAB कार्यालय के अंतर्गत शामिल है। भारत में जब जैव आरक्षित क्षेत्र 2018 की बात आती है, अब देखो भारत में कुछ आपके देखो एलिफेंट रिजर्व्स हैं, उसके बाद में आर्द्र भूमियाँ हैं कुछ आपकी, ठीक है, उसके बाद में आपका हॉटस्पॉट के बारे में आपको पढ़ना होगा, जैव विविधता के हैश के प्रभाव मतलब ख़त्म हो रहे हैं तो उसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग, और उसके बाद में थोड़ा सा ओजोन परत के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम लोग वायु प्रदूषक जन उनके स्रोत व अभाव के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में फिर देखो यहाँ से आपका क्या है पर्यावरण संस्थान के बारे में पढ़ेंगे, अन्य स्थान के बारे में पढ़ेंगे, यूनेस्को की विश्व धरोहर वाली बात पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें हैं जो क्या हैं आपकी देखने योग्य मतलब पढ़ने योग्य हैं। तो एक बात याद रखिएगा PDF जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको एप्लीकेशन पे फ्री कोर्सेज में प्रोवाइड कर दूँगी, बट उसके पहले पहले हमको ये PDF कंप्लीट भी तो आपकी करवानी है ना, तो पहले इसको तो मैं दूँ उसके बाद मैं इसको कंप्लीट करवाऊँ तब मैं आपके पास भेजूँगी इसको, ठीक है दी। तो यहीं से हम करेंगे सेशन को एंड, है ना, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास, मीट अप विद यू इन नेक्स्ट क्लास, है ना।